वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। बीते दिनों कोरोना काल में हमने स्थिति देखी, किस तरीके से पूरा देश परेशान था, लेकिन इस परेशानी का फायदा उठाने वाले भी कई लोग थे। और इन दिनों लॉकडाउन के समय में, कोरोना काल के समय में, हमने ये भी देखा कि साइबर क्राइम किस तरह से बढ़ा है, साइबर अपराध किस तरीके से बढ़ा है, और लोग कई तरीके से ठगी का शिकार हुए हैं। ठगी को लेकर हमारे देश में क्या स्थिति है, साइबर क्राइम को लेकर और उसके अवेयरनेस को लेकर क्या स्थिति है, यही बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान आईपीएस प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी सीधे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत त्रिवेणी सिंह जी आपका नेटवर्क 10 पर, क्योंकि आप साइबर क्राइम यूपी में एसपी के पद पर भी तैनात हैं और आप बेहतर समझा भी सकते हैं हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को, कि इस समय क्योंकि बहुत विपरीत परिस्थितियां सर देश में चल रही हैं, ऐसे में साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ा है, लोग जिस तरीके से ठगी के शिकार हुए हैं, आपको क्या लगता है साइबर क्राइम को लेकर हमारे देश में इस समय कैसी स्थिति है और कितने अवेयरनेस की जरूरत है? देखिए, निश्चित रूप से साइबर अपराध जो है कोरोना टाइम में बढ़ा है, इसलिए कि लोगों की आम जिंदगी जो है घरों तक सिमट गई थी, या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, चाहे नौकरी करने का ऑप्शन हो या बैंकिंग का ऑप्शन हो या कोई चीज़ खरीदारी का ऑप्शन हो, तो ये सारे ऑप्शन में हम लोग क्या काम कर रहे थे कि सारे लोग ऑनलाइन हो गए थे। इंटरनेट के माध्यम से आदमी बैंकिंग भी कर रहा था, इंटरनेट के माध्यम से नौकरी भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, सारा कुछ जो है ऑनलाइन हो गया था। ऐसे में अपराधी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। जब भी हम लोगों को शिकायतें मिले, हम लोगों ने FIR कायम किया, काफी लोग जेल भी गए। मैं आपको बता दूं कि किस तरह के अपराध बढ़ रहे थे, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो उसमें कुछ बदमाश टाइप के उसी में अपनी एंट्री ले लेते थे, क्योंकि ऑथेंटिकेशन का हमारा कोई प्रोटोकॉल नहीं था। हम लोग जाने अनजाने कहीं से भी कनेक्ट होकर के बात करना शुरू कर देते, तो इसमें अपराधी इसका नाजायज फायदा उठाते हैं इस तरह के नेटवर्क का। दूसरा, बैंकिंग एप्लीकेशन फेक, आपने देखा होगा बहुत से फेक बैंकिंग एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन आ गए थे, जिसको मिसयूज करके लोगों को थ्रेट करके, धमकी दे करके नाजायज फायदा उठा रहे थे। और कई इस तरह की पोंजी स्कीम चालू हो गई थी कि आप इतना पैसा जमा कीजिए, आपको दुगुना रिटर्न मिलेगा। और जब अभी आपने कल ही परसों में देखा, दिल्ली पुलिस ने किया है 250 करोड़ रुपए का चुना, लाखों लोगों को ठगी का शिकार बना करके चाइनीज कंपनियां और कुछ इंडियंस मिलकर कर रहे थे। आप वर्क फ्रॉम होम के नाम पे इस तरह के अपराध हो रहे थे कि आपको काम करने का अच्छा मौका दिया जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव फीस के नाम पे या लीगल फीस के या कंसल्टेंसी के नाम पे पैसा ले रहे थे और बाद में वो वेबसाइट बंद करके चले जा रहे थे। इस तरह से जो अपराध करने का तरीका था वो फर्जी वेबसाइट बना करके, फर्जी नंबरों से, इस प्रूफ नंबरों से जो इंटरनेट के फोन है, इंटरनेट कॉल के माध्यम से ये अपराध कर रहे थे। सोशल मीडिया पे गलत प्रोफाइल क्रिएट करके या सोशल मीडिया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपकी आईडी को हैक करके इस तरह के अपराध की काफी ज्यादा संख्या में शिकायतें आई हैं। बिल्कुल। और त्रिवेणी जी, क्योंकि हमने ये देखा है कि डिजिटल इंडिया की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें डिजिटल होना है, डिजिटल इंडिया को वो बढ़ावा देते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं और बीते दिनों हमने देखा हम ऑनलाइन ही तमाम जो ट्रांजेक्शन है वो करने लगे हैं, हर जगह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को ही बढ़ावा भी दिया जा रहा है, ऐसे में गलत तरीके से आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं कुछ अपराधी? देखिए, जो वित्तीय अपराध हैं वो काफ़ी बढ़े हैं, क्योंकि हर आदमी पेमेंट जो है या तो QR कोड के माध्यम से या वॉलेट के माध्यम से कर रहा है या ऑनलाइन बैंकिंग कर रहा है। ऐसे में अपराधी जो है इसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि लोगों को जागरूकता नहीं है इस संबंध में, इसलिए शिकार हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि QR कोड अगर आपको कोई भेजता है तो QR कोड अगर आप स्कैन करते हैं तो सिर्फ QR कोड पैसा देने के लिए होता है, पैसा मिलने के लिए नहीं होता है। लेकिन अपराधी क्या काम करते हैं, वो कहते हैं मैं QR कोड भेज रहा हूँ, आप इसको स्कैन करिए, आपको पैसा मिल जाएगा जी। आपको अपने फर्नीचर का या मोटरसाइकिल का जो आप एड क्विकर पे या OLX पे दिया है इसका पैसा मिल जाएगा। जैसे वो आदमी क्लिक करता है वो पैसा बदमाश के अकाउंट में चला जाता है। उसी तरह बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, वो सोशल इंजीनियरिंग अच्छी अच्छी बातें करके फंसा लेते हैं और OTP ले लेते हैं।
आपके जो SMS पे OTP आता है, OTP लेकर के या तो आपके वॉलेट से पैसा निकाल लेते हैं या OTP लेकर के आपका नंबर ही पोर्ट आउट करा लेते हैं, और जब नंबर पोर्ट आउट करा लेते हैं तब UPI का एप्लीकेशन डाउनलोड करके और आपका पूरा अकाउंट साफ कर देते हैं। बहुत से लोग अपना OTP देते जाते हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग जो है इसके शिकार हो रहे हैं। मैं जनता को सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि अगर ऑनलाइन कोई फोन आए या मेल आए या कोई टेक्स्ट मैसेज आए तो कृपया अपना व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन जैसे OTP, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का नंबर या पैन नंबर या अपना डेट ऑफ बर्थ कतई शेयर ना करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप शेयर करते हैं आपका जो फाइनेंशियल क्रेडेंशियल है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, आपके वॉलेट से पैसा जा सकता है, QR कोड आप बिना जाने अगर आप स्कैन करते हैं तो आपका पैसा चला जाएगा। इसलिए आज की दुनिया में अगर कोई फोन कॉल आता है आपको या कोई मेल आता है या कोई SMS आता हो तो कृपया यकीन ना करें उस पे, 10 बार कंफर्म करने के बाद ही आप इस तरह का। लेकिन त्रिवेणी जी, कई बार ऐसा होता है कि सही कॉल्स भी आती हैं, तो हम ऑथेंटिसिटी को कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे आम जनता? देखिए, ऑथेंटिसिटी तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह का कॉल आएगा तो पहले आप मोबाइल फोन से, लैंडलाइन नंबर से वेबसाइट को वेरीफाई कर लीजिए कि वेबसाइट की स्पेलिंग सही है कि नहीं। जी, अगर मान लीजिए आप यूपी पुलिस की वेबसाइट नहीं जानते हैं और यूपी पुलिस की कोई भी स्पेलिंग थोड़ा बहुत टेम्पर करके कोई नया वेबसाइट बना करके और आपको कॉल करने लगे, मैसेज करने लगे या आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दे तो आप यकीन कर लेंगे। इसीलिए मोबाइल नंबर, फोन नंबर और प्लस वेबसाइट को 2-3 बार चेक करिए। जब आप एकदम कन्विंस हो जाइए और भी आपको ये लग रहा है कि इस तरह की कॉल आने वाली है तभी यकीन करें, अदरवाइज अननोन कोई कॉल आती है और कहती है हम आपको जॉब दे रहे हैं, आप कतई विश्वास ना करें। आपको कोई कहता है लॉटरी लगी है, कतई विश्वास ना करें, हमको लोन चाहिए नहीं, लोन के ऑफर आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। ये है दोस्ती, जागरूकता इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। त्रिवेणी जी, ये मेरा दोस्त है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जागरूक होना। अगर आप जागरूक हैं तो सुरक्षित हैं। और जागरूक कैसे रहेंगे, जो पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या पुलिस जो अवेयरनेस कैंपेन चलाती है या हम जो एडवाइजरी जारी करते हैं उसको लगातार पढ़ते रहिए, समझते रहिए, निश्चित रूप से आप बचे रहेंगे। और साथ ही क्योंकि आपने कई देशों की पुलिस को भी ट्रेनिंग दी है और आप ये समझ सकते हैं कि पुलिस की इसमें भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, पुलिस का योगदान कितना हो सकता है ऐसे क्राइम्स को रोकने में, तो आपको क्या लगता है हमारे देश में जो पुलिस है वहाँ पर साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या और किसी सेल के गठन करने की ज़रूरत है या फिर पुलिस की तरफ से और क्या कुछ इनिशिएट लिया जा सकता है इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए? देखिए, साइबर क्राइम से डील करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे I4C बना हुआ है, जो हमारे MHA में जो होम मिनिस्ट्री है वहां पे I4C है, वहां से पूरा मॉनिटर किया जाता है। cybercrime.gov.in एक वेबसाइट बनाया गया है, जो भी साइबर क्राइम का शिकार होता है अगर उस वेबसाइट पे तुरंत लॉग इन करके अपनी कंप्लेंट कर देता है तो स्टेट पुलिस में आ जाता है और हम लोग कार्रवाई शुरू कर देते हैं। अभी मैं आपको बता दूं श्रोताओं के लिए कि 155260 नंबर जैसे कॉल आप कॉल करेंगे, आप कोई कॉल टेकर होगा और आपकी इन्फॉर्मेशन नोट करेगा। और अगर आप बैंकिंग स्कैम के शिकार हो गए, आपका पैसा कहीं चला गया है, आपका अकाउंट खाली हो गया है, तो ये पैसा तुरंत ब्लॉक करा दिया जाता है और आपका पैसा बच जाता है। ये हमारे 112 जो हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश पुलिस में, वहाँ कॉल सेंटर बना हुआ है, 155260 तुरंत डायल करिए। अगर आपका पैसा चला जाता है वो पैसा तुरंत ब्लॉक हो जाएगा और पैसा मिल जाएगा। बहुत से लोगों को हम लोग मदद कर दिए हैं लेकिन चूंकि जानकारी नहीं है लोगों को, इसलिए वो जो है इन नंबरों का सहारा नहीं ले पाते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 155260। दूसरा और भी ऑप्शन है, आप हमारा यूपी कॉप का एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे है, यूपी कॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अपनी कंप्लेन आप कर दीजिए। अगर आप लड़की हैं तो 1090 पे आप कॉल करिए, वहाँ बकायदे कॉल सेंटर बना हुआ है, आपकी बातें नोट होती हैं। आप अपनी पहचान छुपाना है तो छुपा भी सकते हैं और नहीं छुपाना चाहते हैं तो आप सीधे कहिए कि नहीं हम ये हैं,
और हमारी कंप्लेंट नोट किया जाए, कार्रवाई किया जाए, इस पर भी कार्रवाई होती है। इस तरह 112 नंबर पर भी आप अपनी कॉल कर सकते हैं कि हमारे साथ इस तरह का धोखाधड़ी का शिकार हुआ। लेकिन खासकर साइबर क्राइम के मामले में 155-260-155-260 कॉल करिए, और साइबर क्राइम के अगर आप शिकार हो गए और आपका पैसा गया है तो निश्चित रूप से अगर 24 घंटे के अंदर अगर आप ये शिकायत कर देते हैं तो आपके पैसे के बच जाने की संभावना। बिल्कुल, इस क्राइम से बचने के लिए भी अवेयरनेस की जरूरत है, और अगर ऐसा क्राइम आपके साथ हो भी जाता है, साइबर क्राइम होता भी है, उसके बाद क्या स्टेप लेना है उसके लिए भी जागरूकता की जरूरत है कि आप कौन से नंबर पर कॉल करें और कैसे आपको अपना पैसा वापस मिल पाएगा। मेरा आखिरी सवाल त्रिवेणी जी आपसे है कि पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस तरह के क्राइम को रोकना, और साथ साथ ये क्राइम इसकी कैटेगरी क्या होती है, किस किस तरीके से इस तरीके के क्राइम को घटना को जो है वो घटित किया जा सकता है, लोगों को ये कैसे पता चलेगा, क्या कैटेगरीज होती है साइबर क्राइम की? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले साइबर क्राइम कितने तरह के हैं ये तो जितने तरह के अपराध हैं उतने तरह के साइबर क्राइम है, लेकिन मुख्यतः अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो सोशल मीडिया से रिलेटेड फ्रॉड हैं, आपके बैंक से रिलेटेड फ्रॉड हैं, आपके निजी जीवन से संबंधी जो कुछ एप्लीकेशन जो आप यूज करते हैं, आप जहां नौकरी करते हैं उससे रिलेटेड फ्रॉड है, तो फ्रॉड के अनंत रूप है। कोई लोन लेने के नाम पे फ्रॉड कर रहा है, तो कोई आपको फेक मेल के नाम पे कई तरह का लॉटरी और ये धोखाधड़ी दे करके शिकार करने का प्रयास कर रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इसमें कि हमारी पुलिस जो है लगातार उनको हम ट्रेन कर रहे हैं, चूंकि तकनीकी रूप से ये अपराध थोड़ा कठिन होते हैं, इनको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम एक्सपर्ट्स को बुला करके अपने पुलिस को लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि साइबर क्राइम और के अपराध पे हम लोग काफी हद तक नियंत्रण भी किए हैं, और जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भी भेजे जा रहे हैं। जो इनका गढ़ था जामतारा झारखंड में, और आज की डेट में आप यानी त्रिवेणी जी पुलिस की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है, छोटा सा संदेश जो आप जनता को देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं ये देना चाहूंगा कि जो मैंने आपको बताया cybercrime.gov.in पे आप लॉगिन करें और अपना साइबर क्राइम का केस कंप्लेन नोट कराएं। अगर पैसा चला जाता है तो एक बार फिर रिपीट करूंगा, 155-260 पे कॉल करें, आपका पैसा बच जाएगा। तीसरा जो सबसे जरूरी चीज है, आप किसी तरह का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी से भी आप शेयर ना करें। वो ये कहता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ या आपके किसी कारपोरेट से बोल रहा हूँ या इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, आप कतई यकीन न करें, कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने से संबंधित साझा न करें उनके साथ, वरना आप शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेणी सिंह जी आपका नेटवर्क 10 के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। SP साइबर क्राइम प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसी जानकारी आप लोगों तक साझा ना करें, लोगों को ना बताएं जिससे आपका नुकसान हो सकता है, और साइबर क्राइम से बचने का सबसे बेहतर और सबसे तरीका सही तरीका यही है कि आप जागरूक रहें और अपना कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर ना करें। और इस खास बातचीत में इतना ही, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।